गाइस एम आई ऑडिबल? यस यस सर, सर। गुड यस मॉर्निंग सर, सर, गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। व्हाट वाज द लास्ट पार्ट बेटा? क्या डिस्कशन किए थे? एसआईआर इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, ऑल दैट। स्टेरिक इन्हिलेशन फॉर रेजोनेंस। पहले स्पेशल एसआईआर केस में ऑर्थो इफेक्ट किया, फिर वो ये सब। और तो अच्छा, मैंने कुछ दो एग्जांपल्स एक्स्ट्रा भी दिए थे एसआईआर इफेक्ट वाले। यस यस सर, क्राउडिंग इफेक्ट। नाइट्रो वो दे दिया है ना, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया है मैं ग्रेट, या फिर कुछ मैंने की वैल्यूज दी है कुछ एक आध और कंपाउंड्स की। सो वी डिड सम क्वेश्चंस। स्क्वेरिक एसिड मैं का आपको वो बोल कराया क्या बेटा, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड वाला पार्ट? हाँ सर, वो करा यस हुआ। यस यस हो गया ना, इसका मतलब हमने फिनिश कर दिया। अच्छा, स्क्वायरिक एसिड भी लिख दिया होगा मैंने ऐसे एग्जांपल के। सर, यस सर। कंप्लीटेड द एसिडिक पार्ट। नाउ यू ऑल राइट बेटा, हाउ टू प्रिडिक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, हाउ टू गेट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, मतलब सेम थिंग एज वी डिड इन एसिडिक कंपाउंड्स। इट्स लाइक कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है? तो उसी स्टाइल में हमको करना है। वहां पर भी मैंने बोला था जिस तरह से सीक्वेंस क्या होना चाहिए सॉल्विंग का, पहले आपको कैटेगरी चेक करनी है, फिर अगर कैटेगरी सेम आती है तो आप उसमें देखना कहीं वो बेंजोइक वाली स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है या फिनॉल वाला, क्योंकि हमने फिनॉल में एक आध एक्सेप्शनल केसेस किए हुए थे, ठीक है? और अगर नहीं है तो आपको सीधे पहले रेजोनेंस चेक करना है, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मेटा पे रेजोनेंस वर्क नहीं करता, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। ये सीक्वेंस होता है सॉल्व करने का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। अब इसमें कितना भी आप एनालाइज करो, कितना भी खुद को कंफ्यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इसी स्टाइल से निकलेगा। समबडी वाज सेइंग समथिंग इन बीपी? यस सर, आपने लास्ट टाइम बताया था कि एसिड बेस रिएक्शन का हेडिंग लिख के रखो, समथिंग अच्छा हाँ, सॉरी, एसिड बेस रिएक्शन बता रहे हैं। अबाउट। ओके चल, तो पहले इसका डिस्कशन करेंगे गाइस। वी आर मोर कंफर्टेबल विद यू नो एसिडिक कंपाउंड्स, क्योंकि उसका बहुत सारा डिस्कशन किया है हमने, उससे रिलेटेड चीजें की हैं, तो हम लोग एसिड बेस रिएक्शन केवल एक ही बेस उस पर प्रेडिक्ट करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन पे, ठीक है? तो नॉर्मली जो बेसिक सॉल्यूशंस हमारे सिलेबस में हम चूज करते हैं वो NaOH है, एच सी ओ थ्री है, राइट? इसके अलावा Na2CO3, सबका मैं नहीं डिस्कशन करूंगा, बट वो आप अपने आप निकाल पाओगे, वो हम लोग कर लेंगे, लाइक NaNH2। बहुत सारे दूसरे बेसिक सॉल्यूशंस आप चूज कर सकते हो, और इनमें हम लोग क्या डाल रहे हैं बेटा, को एसिडिक कंपाउंड। एसिडिक कंपाउंड डाले एंड पॉइंट इज कि ये एसिडिक कंपाउंड उनमें डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर डिसॉल्व होने का मतलब है रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर कभी ऐसा स्टेटमेंट, जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को लेकर रिजिड नहीं हो जाएंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना, क्वेश्चन फ्रेमिंग कई बार कुछ अलग होती है और उसका साइंटिफिक मीनिंग हो सकता है कुछ और। जैसे आप पढ़ते हो एसिडिटी, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम एसिडिटी या बेसिसिटी पढ़ते हैं तो उसका एक न्यूमेरिकल वे में मीनिंग होता है। यहाँ पर एसिडिटी कहीं पर लिखा हुआ है कि राइट द एसिडिटी ऑर्डर, तो उसका यहाँ पर मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखना है। बेसिसिटी कहीं पर लिखा है तो उसका मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, तो उसको उस वो साइंटिफिक उस मीनिंग में मत चले जाना जो न्यूमेरिकल वे में करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? थोड़ा बहुत आ रही है। यस। तो बहुत रिजिड नहीं होना किसी चीज को लेकर के, ऑप्शंस देखना है कि वो क्या एग्जैक्टली चाहता है और अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लेना। कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, सॉल्व कैसे करते वो भी आइडिया है, केवल क्वेश्चन किसी ने बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको छोड़ आए। बैक टू दिस, सो यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो यही हो। कई बार तो रिएक्शंस लिख कर देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल, कई बार केवल इतना बोलेगा दिस इज सॉल्वेबल इन दिस और नॉट, ठीक है? तो लैंग्वेज वही है, एसिड बेस रिएक्शन, हम मतलब कॉन्सेप्ट वही है एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए। तो आप ध्यान से देखना बेटा, आपने HA NaOH में डाला,
कोई बता सकता है क्या कि एनी ओएच इज बेस बिकॉज ऑफ एनी प्लस और ओएच माइनस? एनीवन? ओएच माइनस, ओएच माइनस, ओएच माइनस। तो गलती से भी किसी को एनी प्लस नहीं सोचना है। एनी प्लस केवल समझ लीजिए एक कैरियर, वो स्पेक्टेटर समझ लो। हमारा मेन है ओएच माइनस, वो एग्जिस्ट नहीं करता है लोन। अगर वो करता होता तो एनी प्लस की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब आप KOH लो, NaOH लो, COH ट्वाइस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज OH माइनस। OH माइनस आया, H प्लस खाया, पानी बनाया। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब इसको दूसरी स्टाइल, ये तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, लेकिन हम लोग किसको कैसे स्टाइल में लिखेंगे? HA के नीचे लिखेंगे एसिड वन और NaOH के नीचे लिख देंगे बेस वन। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करना, जैसा मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और सॉल्व करना है। इतना ज्यादा तुम उसको एनालाइज करने लगते हो तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। अब जो H प्लस कभी HA के पास था, इसमें बताइए किसके पास है? वाटर, वाटर के पास है। तो हम इसके नीचे लिख देंगे एसिड टू और ये हमारे लिए हो जाएगा बेस टू। सॉल्ट नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? बेस। जैसे हम बोल रहे थे कि NaOH इज बेस बिकॉज ऑफ OH माइनस, तो NaA विल बी बेस बिकॉज ऑफ A माइनस। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, बट हमको बेस वालों से मतलब नहीं है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एसिड के पॉइंट। अब ये चीज आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में करानी है तो रिएक्टेंट का जो एसिड है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए प्रोडक्ट के एसिड से। ठीक है, ये लिखने से फायदा क्या हुआ? इसका कोई मतलब नहीं है कि आप NaOH में कोई एसिड डाल रहे हो, NaHCO3 में डाल रहे हो, NaNH2 में डाल रहे हो, C2H5ONa में डाल रहे हो, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में आपने HA को डाला। आपको केवल चेक करना है कि वो HA जो प्रोडक्ट में एसिड बन रहा है उससे ज्यादा एसिडिक है कि नहीं। अच्छा, ये मैं समझाता हूँ, फिर बच्चे खुद आते हैं 2 महीने बाद और कचरा करके जाते हैं। वो क्या बोलते हैं? अच्छा, HA इज सॉल्वेबल इन NaOH, जिसका मतलब HA इज मोर एसिडिक देन NaOH। अरे भाई, NaOH बेस है, उससे कंपेरिजन ही नहीं हो रहा है। HA विल बी सॉल्वेबल इन NaOH इफ After the reaction, whatever acid you are getting, if H is more acidic than that one, इसीलिए मैं इसको acid one और acid two लिख रहा हूँ। इसमें किसी को कोई problem है बेटा? No sir। अब मैंने जो आपको बोला कि आपको वो रटना वाला जो आपने याद किया हुआ है कि acid plus base giving salt and water, उसको इसलिए हटा देना है कि you can write infinite reactions बेटा। जैसे NaNH2 लिखा तो NaNH, जैसे NaOH was based because of OH minus, तो NaNH2 will be based because of what? NH2 minus, तो NH2 minus आया, H plus खाया, अमोनिया बनाया। तो अभी तो इस तरह फिर कोई बच्चा रटना शुरू कर देगा कि एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड अमोनिया। अब सोचिए अगर आपको NaOH बेस के बदले 9th में NaNH2 KNH2 ऐसा सिखाया जाता कि ये सब बेस होते हैं, तो आपकी रटने वाली स्टाइल क्या होती? एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड अमोनिया। यानी आपको ऐसा नहीं कि गलत पढ़ाया गया, लेकिन उससे इम्प्रेशन क्या हुआ कि हर बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है, वो कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो बेस चूज किया उसकी बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से है। सो मेनी रिएक्शन। आपको एल्कोहल पसंद है, एल्कोहल बना दें, HA प्लस C2H5ONa। अच्छा, लिखने का स्टाइल इधर उधर हो सकता है, लेकिन Na को हटाकर जो भी पार्ट होगा वही होगा बेसिक पार्ट। अब Na का मतलब यहाँ K भी हो सकता है, Li भी हो सकता है, CA भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं, द रिमेनिंग पार्ट। तो बताइए देखिए क्या होगा, C2H5O आया, H आया और क्या बनाया? C2H6 ना OH का, भूलना नहीं, कई बोला ना Na छोड़ के जो बाकी हिस्सा है, इट हैपेंस, तो बड़ा केयरफुल रहना है बेटा। अब इसमें हमको प्रेडिक्ट क्या करना पड़ेगा, ये HA greater than C2H5OH, बस, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो इट डज नॉट मैटर व्हाट रिएक्शन यू हैव सिलेक्टेड, आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का एसिड कौन है और राइट हैंड साइड का एसिड कौन है। अगर वो पता कर लिया
और उसके बाद आपने पूरा यू नो मेरे ख्याल से 2-3-4 सेशंस हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिवोट किए हैं, तो उसी पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालना आता है आपको, दो कंपाउंड्स का इसमें करना है एसिड बेस रिएक्शंस में, वो प्रिडिक्ट करके आप कोई भी रिएक्शन एसिड बेस वाली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फीजिबल होगी या नहीं होगी, ज्यादा होगी फॉरवर्ड या कम फॉरवर्ड होगी, जैसा भी लैंग्वेज हो क्वेश्चन का अकॉर्डिंगली अपने को चेंज करके आंसर लिख देना है। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। यस सर। यू हैव टू सी द एसिड्स ओनली, सो इफ यू हैव टू सी द एसिड्स ओनली, so if HA is more acidic than any, wait, HA is more acidic than H2S, we can see here, then HA is soluble in NaOH and the reaction happens in forward manner. Yes, and everywhere you have tried the same way, HA will be soluble in NaH2 if HA is more acidic than ammonia. HA will be soluble in C2H5ONa if HA is more acidic than C2H5OH. General manner mein, कि HA will be soluble या HA will be soluble in base या acid 1 will be soluble in base 1 if acid 1 is stronger acid than acid 2, ठीक है? Sir, there you have written NaNH2, no? क्या बड़ा? Sir, there you have written NaNH2, no? Yes, बड़ा, NaNH2. Sir, इसमें acid 2 acidic नहीं हो सकता, acid 1 से कभी भी? हो सकता है ना, तो reaction नहीं होगी. मतलब कम होगी, फॉरवर्ड कम होगी, बैकवर्ड ज्यादा होगी, ओके तब तुम ये बोल सकते हो H2O will be soluble in NA, नहीं समझे? यस, वो हम उल्टा प्रिडिक्ट कर देंगे। ओके, यस सर। तो वैसे रिएक्शन देख के पूछ सकता है क्या, विच डायरेक्शन विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन? बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, बहुत ओलंपियाड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, ठीक है? वो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज आर फीजिबल, ये एक पार्ट है जो तुमने जीओसी में पढ़ा। अब इसी तरह कहीं और पढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे, है ना? कई बार हम रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, उसकी एक आध रिएक्शन पिक कर ली, तो जैसे अच्छे एग्जाम्स होते हैं ओलंपियाड जैसे, ठीक है, तो उसमें ये पूछते हैं इस तरह, एक आध उसकी रिएक्शन डाल दी, एक आध इसके लिए, एक आध थर्मोडाइनमिक इसका जो डेल्टा है जी के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से 2-3 अलग अलग जगह की रिएक्शंस एक क्वेश्चन में डाल दी, ठीक है? तो वो तुम्हें सेल्फ डिसाइड करना है कि हम इसको ऑर्गेनिक के बेसिस पे करेंगे, फिजिकल केमिकल के बेसिस पे करेंगे, या कुछ और आपने ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है। सर, यस बेटा। सर, अगर एसिड टू स्ट्रॉन्गर देन एसिड वन होता है तो एसिड टू बेस टू में सॉल्युबल होएगा ना फिर? यस, बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट। ये सब कंक्लूजंस आपको निकालना है, आपको जबरदस्ती के आर्गुमेंट करके कुछ नहीं रोकना है चीजों को। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ेंगे, फिर जबरदस्ती उसमें अगर चीजें तुमको लग रही हो कि कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो एक्सेप्ट कर लेना है। ये भी हो गया बेटा, शुड आई रिमूव दिस? यस सर, हो गया। गाइस, सबके पास बुकलेट है बेटा? नहीं हो तो ले आओ, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप जहां पर भी हो वहां से उठा लो। आपके हाथ में बुकलेट आ जाए तो बताइए। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 11 नहीं किया है ना हमने? ऑफ कोर्स नहीं किया होगा। इसको आप स्क्रीन पे मत देखना बेटा। नाउ यू ऑल डू नॉट लुक एट द स्क्रीन, आई एम राइटिंग समथिंग, आप अपने आप सोचो, चलेगा? यस सर। एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए। ओके, नाउ डू नॉट लुक एट द स्क्रीन, जस्ट टू सेव टाइम आई एम राइटिंग समथिंग, इन बिटवीन आप ट्राई करो, ठीक है?
अटेम्प्ट कर लिया बड़ा सबने. सो वेट वन सर, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग होता है ना, फिनाइल, इसको फाइव भी लिखते हैं. सर डन. गाइस, ऑल्दो ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है जितना तुम कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि तुमने इनके जो एसिड्स ऑप्शंस में दिए हैं ना, वो तो तुमने मोस्टली जो है उस कैटेगरी वाले उस ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं, याद है ना. यस सर. है ना, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए उतना अच्छा नहीं है, हो सकता कोई दूसरे बच्चा हो उसके लिए वो हो, लेकिन बिकॉज तुमने उसको अलग स्टाइल से एसिड का स्ट्रेंथ निकालना सीखा है जिसमें तुमने कुछ पार्ट याद रखा है, क्योंकि वो ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, उसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें इनमें सॉल्विंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. हो सकता है कि तुम केवल वो, क्योंकि तीन कंपाउंड से एग्जैक्टली वही है जो तुमने वहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन इसको जनरल मैनर में कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने अभी एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू लर्न किया. अब आप सामने देखो स्क्रीन पे, मैंने तीन रिएक्शंस लिख दी हैं, तीन रिएक्शंस, क्योंकि तीन स्टेजेस की रिएक्शंस वो दी हुई है. पहले वो कुछ इसको एसिड बोलता है, इसको बेस बोलता है, और फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली केवल बेस लिखता है, बेस लिखता है, और उसने एसिड लिखना वो भूल गया जो बनता है. ये अपना जॉब है कि हम समझ ले कि कौन सा एसिड बन रहा होगा. क्या मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ सर. अब रिएक्शन अगर उसने बोला है कि होती है, तो आप कौन से एसिड को कौन से एसिड से स्ट्रॉन्गर दिखा दोगे? एसिड वन को एसिड टू से स्ट्रॉन्गर बता दे. बस मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इस पे. फिर उसने क्या किया है, इस बेस को पिक किया. देखो जब कभी भी तुमको कंफ्यूजन हो जाए तो एक घरेलू तरीका ये, जो सॉल्ट हो ना समझना वही बेस है. मेरी बात समझ में, अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन जैसा लग रहा हो तो ये मान लेना जो सॉल्ट है. देखो यहाँ तो मैंने खुल के दिखाया सी माइनस एन ए प्लस, हो सकता है एग्जाम में ऐसा खुल के नहीं लिखा हो, सिंपली लिखा हो सी एन ए, तो भी आप मान लेना वो सॉल्ट वाला पार्ट है जिसमें भी आपको इस तरह से दिखाई, तो सॉल्ट ही एक्चुअली में बेस का काम कर रहा है ऐसा मान के चलेंगे. सो बेस वन हो गया मेरे लिए, ये एसिड वन उसने डाला है, फिर हमको बेस टू मिला और ये एसिड टू मिला. तो आप अगर वो फिर कहता है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो कौन सा एसिड कौन से एसिड से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा? एसिड वन एसिड टू से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. बस ठीक है, ये हो गया. अब इसी तरह से लास्ट वाला, तो लास्ट वाले में भी आप क्लियरली बता सकते हो, है ना. अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन देख लो किस ऑप्शन में फिट होता है. मेरे ख्याल से बी में फिट हो रहा है ना. हाँ सर. यस सर. ये क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल है, इसमें बहुत आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है. अगर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा है चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही तो उन चीजों को एक्सेप्ट करो, ज्यादा भिड़ना नहीं है. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि मैंने ये वाले स्टाइल से क्यों बताया. इसको आप कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे. चलो, शुड आई रिमूव दिस सर इन द लास्ट रिएक्शन के लिए, राइट, व्हिच इज द एसिड वन एंड बेस वन? यस बेटा, सॉल्ट वाला पार्ट बेस होता है. ये मत सोच के चलना कि जो पहले लिखा रहता वो एसिड ही हो, वो कहीं भी इधर उधर हो सकता है, लेफ्ट राइट ना. सो इधर हम लोगों ने कंफ्यूजन ऐसे ही ड्रॉ किया ना, बिकॉज़ रिएक्शन आगे हो रहा है, इसीलिए एसिड वन स्ट्रॉन्गर देन एसिड टू. यस यस. सर So this might be a very silly doubt, but for many reactions, I've seen like in certain reactions, you only put like one arrow, while in certain reactions, you put like arrows in the opposite direction. So is that mean like it's reversible or something? Yeah. Yes, but you will do these things in chemical equilibrium, physical chemistry. So most of the time, you need to actually write this type of arrow that will be indicating reversible reactions. Okay, so you'll study in thermodynamics irreversible and reversible reactions. So we've yes, done that. Yeah. Yes, so. So, but it's
but that reversible seems to be different from this reversible effluent. But these are the reactions. So similar type you say. It is believed so that most of the reactions are reversible because the reaction depends on the collisions of the molecules. So whenever molecules collide with each other, bonds will be broken. But yes. In some situations like we teach in chemical equilibrium, in many situations products will be will become solid. So they will settle down. They will not participate in the process. And same way, if gas product is a gas, it will escape from the container, so it will not participate in the collision. So as a result, reactions won't occur in backward direction. So chassis situations are ignore that. So reversible is infinitely small changes at a time. Like both thermodynamics ke point of se baat karte. Yes, so it's different for thermodynamics and less. Different नहीं है बेटा. Different कोई चीज जब चीजें पढ़ाई जाती ना केवल तुम relate करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा time चला जाएगा तो उसको हम नहीं करेंगे ठीक है. Different कैसे हो सकती पूरी science एक ही जैसी है. इसको हटा दें. Yes sir. Yes sir. चलो. Guys आगे बढ़ते हैं. इसमें अच्छा और भी बहुत सारी रिएक्शन है बेटा. जैसे एक्सरसाइज 5 में देखोगे ना तो क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 10 है, ये सब इसी पर बेस्ड है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस है. मतलब ये सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट है. थोड़ा सा कूल और काम होकर के आप सॉल्व करना और कहीं पर तुम्हें एब्सोल्यूट आंसर नहीं निकालना है. ऑप्शंस देखना, बेस्ट पॉसिबल आंसर देखना ठीक है, और उसके बाद तुम कर लोगे. अगर तुम पैनिक करोगे कि यार ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, अरे ये तो बताया गया बट यहाँ फिट नहीं हो रहा है, तो गड़बड़ होगा ठीक है. पैनिक नहीं करना, काम रहना, बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढना, तुम्हें जरूर मिलेगा. फिर क्या धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अगर तुम पैनिक करोगे हर क्वेश्चंस में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत थियरी इन्वॉल्व करती है और मैंने आपको बहुत सारा पढ़ाया है, क्वेश्चंस भी ये जो बने हुए हैं सब हम ही ने बनाए, तो ये क्वेश्चंस भी उसी स्टाइल से डले हुए हैं. तो अगर ये थियरी इतनी नहीं होती तो क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे. और बहुत बार तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इवन इफ यू डोंट गेट आंसर, बट उसको अच्छे से देखो कि क्या तुमको मेथड्स आते थे, क्या तुम उसको अप्लाई कर पाए, किस लेवल तक अप्लाई कर पाए, कहां पर तुम्हें आंसर आने में प्रॉब्लम है. पैनिक करने के बजाय ये काम करना है. क्लियर है बेटा? यस सर. 8, 9, 10 लिखा ना आपने. क्या चीज? 8, 9, 10 लिखा ना. नहीं नहीं आप ट्राई करने का इतना टाइम नहीं है बेटा. ओके सर. यह घर पे करना, कर लोगे. अभी और भी चीजें मैं बताने वाला हूँ जो 8, 9, 10 में एप्लीकेबल हो जाएंगी. एक बड़ा पॉपुलर अपने सिलेबस में है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये 9, 10 में भी पढ़ाया जाता है ठीक है. सो अगर हम लोग इसको अपने से पढ़ें, मतलब इट्स लाइक कि हमने HA को, आप 9, 10 मत याद करना बेटा, फॉरगेट 9, 10, केवल जो अभी बताया उसको ध्यान करके बताओ. अगर ये रिएक्शन में लिखता हूं या मैं लाइक CH3COOH प्लस NaHCO3 लिखता हूं, या फिर मैं लिखता हूं इट्स लाइक दिस, आप इनके प्रोडक्ट्स बता सकते हो अभी के स्टाइल से. 9, 10 मत रिकॉल करना. इसको कहते हैं रटना, कि आप उस चीज को निकाल ही नहीं पा रहे हो जो तुमने 9, 10 में पढ़ा था. वो चीज छोड़नी है. जैसे कोई बच्चा नहीं माने और वो बार बार बोले एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड, तो कभी डील कर पाएगा क्वेश्चंस के साथ? नहीं. उसने एक लिमिटेड चीज पढ़ी थी, वो गलत नहीं है बट कम है, और बहुत ज्यादा कम है. तुम इन्फिनिट केसेस डील करने वाले यहाँ पर. तो यहाँ पर आपको ये बोलना चाहिए था केवल कि HCO3 आएगा, H खाएगा और क्या बनाएगा, CO3 बनाएगा. सिंपल. तुमको ये देखना है. सेम मैनर में यहाँ पर सॉल्ट वाला पार्ट अलग लिख दिया और H2CO3.
ये पार्ट ऐसा लिख दिया और H2CO3 रिएक्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। अब ये क्यों लिखा आपने? अब आप जाकर देखो इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कैटेगरी वाला पार्ट, जहां पर याद है आपके नोट्स में कहीं लिखा है चेक कैटेगरी, ठीक है? एक बार जरा उसको ओपन करो, तुम देखो कि मैंने जानबूझकर H2CO3 करके वहां लिखा होगा एसिड, मिला गया? यस। हाँ यस, मिल गया, मिला। अब इसका फायदा क्या है कि अगर कोई कंपाउंड को सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में सॉल्वेबल होना है तो उसको किससे ज्यादा एसिडिक होना पड़ेगा? H2CO3 से एसिडिक होना पड़ेगा। तो बताइए क्या CH3COH H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है? नो 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 है बाबा, है कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई ऐसा बच्चा नहीं क्या जिसको स्ट्राइक किया हो है और वो बोल नहीं रहा, बाकी बच्चे डोमिनेट कर रहे जो नोनो वाले हैं? यस यस बोला था मैंने। यस वालों की आवाज बहुत ही जाना चाहिए, टीचर डिमोरलाइज हो जाएगा कि इतना अच्छे से सर दो बच्चे बता रहे हैं जो नहीं जान। ओके, ये बताइए फिनॉल, फिनॉल H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है कि कम? कम है, कम सर, कम है, कम है। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है? थर्ड वाली रिएक्शन नहीं होगी, थर्ड वाली नहीं होगी, ये वाली होगी। अब इसके आगे की कहानी, इसमें किसी को डाउट है बड़ा? इतने में कोई कंफ्यूजन है? ये जनरल बैकवर्ड रिएक्शन होगी ना? हाँ हाँ, बैकवर्ड होगी, बट बैकवर्ड पूछी नहीं जाती, पूछा फॉरवर्ड वे में ही जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा पॉपुलर कंपाउंड है जिसका सोल्यूशन बनाते हैं और उसमें कंपाउंड से ऐड करते हैं, बट अगर पूछ लिया जाएगा उल्टा होगा तो यस बोल देंगे, ठीक है? Yes. अब yes, इसमें किसी को इशू तो नहीं है? अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। So wait, अरे so many people said no, so people were see, I'm confused how H2CO3 is more than H. पहले कैटेगरी पे लिखा है, कैटेगरी ऑर्डर में लिखा है RCOH ज्यादा है। ओह या गॉट इट बेटा, चीजों को रिलेट भी करना है, है ना? ऐसा नहीं कि भूल गए हो, पार्टी भूल गए तो सब कहानी खत्म हो जाएगी। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको लिसन माय पॉइंट, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी चीजें दी है जिनका शायद डिस्कशन नहीं किया है मैंने, लेकिन जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो यूजफुल होंगे। जैसे अगर मैं पार्ट नहीं बताता, स्टिल तुमसे मैं एक्सपेक्ट करता कि तुम ये काम कर लोगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं कुछ अननोन, मतलब तुम्हारे नॉलेज में नहीं रखी, लेकिन वो बताई हुई है, तो आई होप फ्यूचर में आप उस चीज को डील कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये जो H2CO3 है, ये जो होता है ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये एक्चुअली में H2O+CO2 में डिसोसिएटेड रहता है, तो इसीलिए 9th में आपको ये पढ़ाया जाता है। अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन इस स्टाइल में आएगा कि इज HA सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, एक ये आएगा स्टाइल, ये आएगा दूसरा स्टाइल कि इज HA केपेबल ऑफ लिबरेटिंग CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ये दो स्टाइल से अभी तक सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ और भी स्टाइल बना देगा कुछ नया सा, तो भी आप डील कर लोगे, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। तो अगर मैंने पूछा आपसे कि क्या CH3COH सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से CO2 लिबरेट करा देगी, yes, तो आप बताओ आपका आंसर क्या होगा? हां सर, हां सर। क्या फिनॉल केपेबल है CO2 लिबरेट करने का? नो सर। अब सडनली मैंने मान लीजिए आर्यन पटेल से पूछ लिया, आर्यन पटेल आ रहे थे, यस सर, हां, तो बताइए इन दोनों में से कौन है जो CO2 गैस लिबरेट कराएगा और कौन है जो SO2 गैस लिबरेट कराएगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होगा? CO2 विल बी द फर्स्ट वन, SO2 विल बी द सेकंड वन। वेरी गुड। अब आप देखो कितना कचरा हो गया, ये बताओ CO2 निकल कहां से रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या एसिटिक एसिड से? दोनों से निकलेगा। अरे दोनों छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें CO2 किसने दिया? NaHCO3। ये केवल H दे रहा था, तो जब ये H दे रहा था तो H ही देगा ना, नहीं समझे?
यानी कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड जब इंडिविजुअली सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किए जाएंगे तो दोनों क्या लिबरेट कराएंगे? CO2 गैस लिबरेट कराएंगे दोनों कैपेबल। CO2 ये तो काम है क्वेश्चन बनाने वाले का कि वो आपको ऐसा देगा कि CH3COH लिबरेट CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट CH3SO3H लिबरेट CO2 गैस। वो उसका काम है, वो लैंग्वेज और अच्छी बना सकता है, स्टाइल और अच्छा दे सकता है पूछने का। बट बी केयरफुल, क्योंकि जब हम सडनली एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो हम खुद पैनिक हो जाते हैं। कोई नया सा कंपाउंड दिखा जो हमने नहीं पहले पढ़ा तो हम घबरा गए, जबकि क्लियर कॉन्सेप्ट है कि HA के A पार्ट से कोई गैस लिबरेट नहीं है। इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली जिसकी वजह से H2CO3 बना और वहां से CO2 आया बाहर। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? सर HA का मतलब क्या था? मैं थोड़ा सा लेट था तो मुझे पता नहीं था। HA एसिड होता है भाई, कोई एसिड जो H देगा, कोई भी एसिड ना सर। अरे लिखा तो है CH3COH लिखा तो भी H उससे ले रहे थे, फिनॉल लिखा तो भी H ले रहे थे, बढ़िया रिएक्शन नहीं हो रही है, नो कर दिया। यानी अगर तुमसे पूछा जाएगा इस फिनॉल केपेबल ऑफ लिबरेटिंग CO2 गैस फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, योर आंसर विल बी नो। यस, अच्छा हां, रिएक्शन ही नहीं। यस नो, बट फिनॉल जो है वो कोई ऐसा उसमें बहुत सारे दूसरे पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे पिक्रिक एसिड सुना है मैंने, लिखाया होगा शायद? नहीं सर, नहीं लिखाया था। ये देखो सर, सर मेरे को एक डाउट है पिछले वाले में। एक सेकंड, पहले ये बता दूं मैं, आप ये फिनॉल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है? बोलो सर, दोनों भी नहीं है। अरे फिनॉल है रे, फिनॉल है। अच्छा, वो होता है जिसमें OH बेंजीन से कनेक्टेड हो। ये क्या बात है, इसको अच्छे कपड़े पहनाती है तुम कह रहे हो, ये हमारे खानदान का नहीं है। फिनॉल है सर, लेकिन आप सोचिए फिनॉल हम बोलते हैं उतना अच्छा एसिड नहीं है। कई बार होता है ना, बच्चा बहुत टैलेंटेड नहीं है लेकिन बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है और IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिल गया। ये वही कैटेगरी का फिनॉल है। इसने इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ दिखाया, इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ दिखाया, इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ दिखाया, वो भी ऑर्थो पैरा पोजिशन पे लग लग करके, और NO2 को चूज किया उसने, इतना अच्छा एसिड में बन गया। ये कार्बोक्सिलिक से भी अच्छा हो गया, उसमें हम ऑल्दो ऑर्डर नहीं डिस्कस करेंगे, बट ये इतना अच्छा है कि आप इसको विजुलाइज कर सकते हो कार्बोक्सिलिक से बेटर। और इसका सरनेम भी इसको एसिड दे दिया गया, इसको फिनॉल बोलने के बजाय क्या बोला जाने लगा बेटा? पिक्रिक एसिड बोलने लगा। देखो ना, खानदानी एसिड बन गया, इसके नाम में एसिड आ गया। उसको एक एक यू नो जो वो जब उसका सरनेम आपको एसिड जब दिख रहा है, जैसे लिखा एसिडिक एसिड, तो बाय डिफॉल्ट उसका एसिड मान के चल रहा है। उसकी फिर ये नहीं चेक करते कितना कैपेबल है, कितना कम एसिड है, तो एसिड बोल रहे हो उसको। आई होप आप सब मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ये कंपाउंड अगर कहीं दिखा तो ये रिएक्शन कर जाएगा, लगभग वो सारी रिएक्शन कर लेगा जो कौन कर रहा था, को तुम चाहे एक्सेप्शनल केसेस करके याद रखो या जैसे भी, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन सिंस जब तुम अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयोनिक पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें वो के वैल्यूज निकालना सिखाएंगे। अभी नहीं पढ़ाया गया है ना? नो सर, नो सर, अभी तो सिर्फ ऑर्डर ही किया है हम लोग ने केम। वो ऑर्डर तो मैंने आपको बताया। यस यस, केमिकल सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको न्यूमेरिकली निकालना सिखाएंगे। तो उस केस में आप क्या कर पाओगे, आप इसका के निकाल लोगे, आप इसका के निकाल लोगे। मेरी बात समझ में आई? तो बताइए किसका के ज्यादा होना चाहिए अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जानी है? HA का के ज्यादा होना चाहिए, समझे ना। तो कई सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे जैसे H2CO3, तुमको इसका के डेफिनेट, इसका मैंने लिखाया होगा शायद तुमको, या नहीं लिखाया तो आप लिख लो, ऑल्दो इसको रटना नहीं है, लेकिन एक आइडिया आपके पास होना चाहिए ना कि आपको किसके किससे कंपैरिजन कर रहे हो। तो बाकी एसिड्स का तो मालूम है, लेकिन ये पॉपुलर
जो हमारे लिए एक्चुअली पॉपुलर है ये इनऑर्गेनिक, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिक में डील करते हैं, ये लिख लेना, ये सॉरी 10 है। और फिनॉल का जो के वैल्यू होता है वो होता है 1.1 × 10⁻¹⁰ CH3COH का के वैल्यू होता है कितना होता है 1.8 × 10⁵। ये तो अगर देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि 1.8 × 10⁻¹⁵ 4.52 × 10⁻¹⁷ से बड़ा होता है, इसलिए एसिटिक एसिड NaCO3 में डिसॉल्व होता है। लेकिन फिनॉल देखो 1.1 × 10⁻¹⁰ है और ये 10⁻¹⁷ है, कम हो गया इसीलिए नहीं डिसॉल्व हो रहा। क्या थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आई? यस सर। वरना इसको इग्नोर भी कर सकते तो उसकी ज्यादा मुझे जरूरत नहीं थी बताने की, बट फिर भी बिकॉज आयनिक वगैरह सब पढ़ोगे और जेई में जब क्वेश्चन आता है एडवांस में थोड़ी ना बोलेगा कि आधा पार्ट फिजिकल का है और आधा ऑर्गेनिक का, यार आप आंसर निकालो। तो वो आपको के का स्टाइल सिखाएंगे वहां पर कि कैसे निकाला जाए, के जब निकल आएगा फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो कितना अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता आप इमेजिन कर सकते हो। कॉपी कर लो बेटा। सर यस सर, इसमें सर CH3SO3H में सर CO2 कैसे लिबरेट हुआ वो एक और बार बताओ ना। अरे भाई इस ये जो HA है ना, ये HA में A मान लो CH3SO3 है और H ये है, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट का HCO3 आया, इस H को खाया, H2CO3 बनाया और H2CO3CO2 और H2O में डिकम्पोज हो गया। इससे इस A पार्ट का क्या लेना देना है? हाँ सर समझ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं एग्जाम हॉल में। तुम्हारा माइंड जो है वो SO3 को देख रहा है और जो SO2 निकाल रहा है, जबकि कॉन्सेप्ट कह रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये NaHCO3 है जो H2CO3 देता है, ठीक है? Yes sir. Sir? Yes sir. Picric acid will show ortho effect, ना? Ortho effect benzoic acid में पढ़ते हैं, तुम इमोशनल हो गए, नहीं समझे? अरे COH होना चाहिए ना? Yes sir, understood. तो बड़ा केयरफुल रहना बेटा, चेहरे मैच करने से जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली वही चीज हो। वो लगता है बेंजीन है, कुछ ग्रुप लगा है और फिर आसपास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो नहीं है। सर वो फर्स्ट रिएक्शन में इन द कॉर्नर बिलो H2CO3 यू हैव रिटन H2O + CO2O, क्या इंडिकेट करता है? दैट इंडिकेट्स दैट H2CO3 इज अनस्टेबल, इट डिकंपोज इनटू H2 और CO2। सो एज अ रिजल्ट वी कैन से HA रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, गिव सॉल्ट एंड H2O + CO2। ओके सर, थैंक यू। So, you had said that it's wrong to remember acid-based reactions which like they give it salt and water. So, can we remember it as acid-based reactions give conjugate acid and conjugate base? उसके बदले ऐसा लिखेंगे ना, acid plus base giving base plus acid. Yes, sir. वही याद रखना, acid plus base giving base plus acid. सर सर यस सर, आप पिक्री का एफेक्ट पे कम रिपीट कर सकते हैं? डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं वो अभी इधर है ना, कॉपी करने के। मैंने केवल बोला पिक्री के एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग एसिड, इवन स्ट्रांगर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। सर क्योंकि उसकी वो NO2 की वजह से उसकी EWG पावर बढ़ जाती है इसलिए सर। हाँ वो तीन दिन NO2 लगे हुए हैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा आसरी बना देते हैं। yes, हटा दे बेटा ये सब। यस यस सर, ये वाला पार्ट 7 मिनट इसको भी कॉपी कर लो। सर व्हाट इज रिटन अबाउट फिनॉल हियर? फिनॉल, वेयर इज फिनॉल? नो सर, अबाउट फिनॉल इन द नेक्स्ट पेज। दिस पेज HCO3- बेटा। ओके सर, वीडियो कैटेगरी वाला बड़ा सा ऑर्डर चेक करोगे ना, उसमें HCO3- भी दिया हुआ है। सर डू वी हैव टू रेटिफाई दिस वैल्यू?
वैल्यूज बेटा बोला ना अभी आपको क्या आयनिक इक्विलिब्रियम सिखाएंगे वो, उसमें के वैल्यू न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, हो सकता है एग्जाम में बहुत अच्छा एडवांस में क्वेश्चन बना दे वो कि पहले आपको दो एसिड्स का के कुछ निकालने को दे दे, आपने निकाला न्यूमेरिकली, फिर क्वेश्चन फ्रेम किया उसने इस तरह डिसोल्यूशन वाले, रिएक्शंस वाले, CO2 लिब्रेशन वाले, कुछ भी ऐसा बोल सकता है क्वेश्चन। तो हमें चीजों को रिलेट करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट केवल इतना है व्हेन यू से एसिड वन स्ट्रॉन्गर देन एसिड टू देन यू हैव टू जस्ट शो कि के ऑफ दिस इज ग्रेटर देन के ऑफ दिस। ओके सर, गॉट इट। और द के वैल्यू ऑफ CH3COOH इज 1.3 इनटू 10 टू द माइनस 5 राइट? नहीं 10 1.8 है बेटा। ओके सर, अगर तुमसे कोई कहता है कि बताओ ये कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल है कि नहीं, तो तुम उससे एक सवाल करना कि ये बताओ इस कंपाउंड का के क्या 4.52 इंटू 10⁻⁷ से बड़ा है। अगर वो सामने वाला कहता है यस, तो आप आंसर दोगे यस दैट कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन एंड विल लिबरेट CO2 फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई मेरी? यस सर। सर द वैल्यू फॉर HCO3- इज 4.69 इनटू 10 रेज टू -10 ना? यस बेटा। So we don't need to note this one down. Okay. Note तो सब कुछ करना है। सर वो लोग values थोड़ी देंगे actually में ना, खाली आपने explain करने के लिए दिया ना values। अरे भाई values क्यों नहीं दे सकते? क्या हम numerically ionic equilibrium value निकालना नहीं सीखते? हम values में deal नहीं करते? दे सकते हैं। तुमने concept भी तो बताया। अब पता चला उन्होंने वैल्यूज देख के क्वेश्चन को और आसान कर दिया और तुम्हें लगा रहे वैल्यूज वाला तो हम डील करना ही नहीं चाहते, जबकि वैल्यू देने का मतलब तुम्हें बिना एसिड का स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक में निकाले कंपेयर कर लो। ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया ना आपको, जो देख के बता देगा कि फिनॉल इज यू नो लेस एसिडिक देन दिस। यस यस सर, उसमें हमने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, वो तो और आसान हो गया। Yes, but so you've written 4.69 into what? It's unclear. 10 raised to what? Minus 10. Abhi hata de bada isko. Yes, sir. Wait. बाकी लोग हेडिंग डाले बेटा, हाउ टू प्रिडिक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। हाउ टू प्रिडिक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। How to predict basic strength order? Same way as we all, उतना ज़्यादा discussion नहीं करेंगे, but style of working will be the same. पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? Sir, how to predict? Who help us? Basic strength order. Category check करेंगे पहले. पहले ये check करेंगे कहीं race human versus tiger तो नहीं है. अगर है तो दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे टाइगर को विनर हम लोग बोल दे। सिंस वी हैव डन सो मेनी थिंग्स इन एसिडिक केसेस, उसी की स्टाइल में, मतलब क्योंकि अब हमको पढ़ने की कम जरूरत पड़ेगी, हम लोग ने कॉन्जुगेट का तो ऑलरेडी सब किया है ना, कॉन्जुगेट ही तो बेस होता है, तो समझ लो इस बार तुम्हें एसिड के बदले सीधे कॉन्जुगेट जो उनके हैं उनका उसने पूछ लिया है कि बेसिक ऑर्डर लिखो। तो बड़ा सिंपल है भाई, हम लोग उसका जो हमने पहले किया था उसी को कंटिन्यू कर देंगे, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। इन सब का डिस्कशन हमने किया हुआ है बेटा, सब समझाया था। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डील करते हैं, इसमें हम लोग साइज पे निकाल देते हैं, सारे एक्सप्लेनेशन दिए, तो अब मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं, आप इसको सीधे कॉपी कर लो। सर एसिडिक का उल्टा ही है ना एक्चुअली,
हाँ तो एसिडिक निकालने के लिए हमने तो कॉन्जुगेट बेसिस बनाए थे ना, तो हमने हाँ ये काम पहले ही कर रखा है। हाँ सर वही। सर ये फोर्थ एप्लीकेशन है मेसोमेरिक इफेक्ट का। ये मेसोमेरिक इफेक्ट का हाँ 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 फोर्थ। अब वो ऐसा हो गया इतना सारा डिस्कशन कर रहे हो, एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे सब एप्लीकेशन ही है मतलब। अब इसमें पूरे उसमें दो मेजर चीजें और पढ़नी है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन और एक एरोमेटिसिटी। ये दो पढ़ करके चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? कौन आया अभी वंश जैसी आवाज लगी? यस सर। तू सोकर आ गया? नो सर, आई वाज देयर सिंस 7:30 ओनली, आई वाज देयर सिंस द स्टार्ट। चुप कर, 7:30 से था। अरे I didn't sleep much, so then I have थोड़ा low energy, so I spoke, but you didn't hear me, so I just left. अरे क्या नहीं क्या लग रहा है, सही बोल रहा है? Yes sir, sir मैंने सुना था पर he doesn't lie, so that's a fact. So yeah, he doesn't lie. चुप कर पूरे उसमें मैंने दो तीन बार सुना था, मैंने किया था in between, but his name was not there. But honestly, I was there. He was yeah. there, but he gets sick. See, he's just, I know, so he's there, so he doesn't lie. So that's a fact. उसके फेवर में बोलोगे यहाँ बेटा, चलो सो फॉरगेट दैट, बस 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 नाउ टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग गाइस। ये है अब बी केयरफुल, सी माइनस एलोन एग्जिस्ट नहीं करता, एन माइनस एलोन एग्जिस्ट नहीं करता, ये किसी के फॉर्म में होंगे मतलब इससे एसोसिएटेड दूसरे एटम्स होंगे, तो ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि NaOH है, तो जिस तरह से तुमको NaOH लिखा हुआ मिलता है ना, उसी तरह से बाकी सब के साथ भी होंगे। जैसे मैं अगर लिख दूं तो NaOH में हम क्या बोलेंगे, ये एक्चुअली में Na प्लस है और OH माइनस है। तो जब तुम कभी भी NaOH को किसी के साथ कंपेयर करोगे तो एक्चुअली में Na प्लस को हटा के OH माइनस कंपैरिजन में ला रहे हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो जैसे मैंने अचानक से मान लीजिए लिख दिया CH3Na, तो CH3Na इज बेस फॉर मी एंड इट्स बिकॉज ऑफ Na प्लस या CH3 माइनस। बस आप इसमें लिखने का स्टाइल हो सकता है NaCH3 लिख दे या CH3Na लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजिड मत होना कि नहीं नहीं Na तो पहले लिखा जाना चाहिए वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। कैटायन एनायन सोच के एनायन पार्ट विल बी बेस। इसी तरह से मान लीजिए कि उसने दे दिया है NaNH2, तो फिर हम किसको कंपेरिजन में लाएंगे, NH2 माइनस को। फिर इसी तरह से उसने NaF लिख दिया, तो कंपैरिजन में क्या आएगा, F माइनस। और पूछा इसके लिए ऑर्डर है, तो तुम बस OH माइनस CH3 माइनस NH2 माइनस F माइनस यहाँ से देख लो, तो आंसर क्या निकलेगा बेटा, CH3 विल बी Na विल बी नंबर वन, देन दिस विल बी नंबर टू, दिस विल बी नंबर थ्री, दिस विल बी नंबर फोर। क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? यस सर। कॉपी कर लो। सर फोर्थ वाला क्या है सर? Na आई आई नहीं एफ है। अच्छा ओके, बहुत अलग सा वो नहीं देगा, हाँ सिमिलैरिटी वाली चीजों में देगा, नहीं तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, वो फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा हो जाता है। हटा दे बेटा, थोड़ा सा स्पीड से कॉपी करो है ना, क्योंकि हम जब ज्यादा चीजें डिस्कशन करते हैं और टाइम उतना ही है। I've write very very fast, so with like say 2 seconds, so done. Guys, point number 2 में लिखो, if category is same, then check factors like mesomeric effect, inductive effect. Sir, can you repeat what you just said? If category is same, then check factors like mesomeric effect, inductive effect. पहले क्या चेक करोगे बेटा? Reson मतलब mesomeric effect.
इंडक्टिव, ठीक है, ये हो गया। और कहां पर रेजोनेंस वर्क नहीं करता? हेलो जी, नहीं नहीं वो ठीक है तुम्हारी बात, वो बेंजीन के रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना हम लोग, मेटाबॉलिज्म, ये माइंड में रखना है आपको। सर आप जो ये बोल रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन, उसको लो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं क्या? हाइपर कॉन्ज, हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। अरे सर वो मैंने किधर तो पढ़ा था उसके बारे में, इसके लिए पूछा। ओ सर कोई नहीं, इसको हटा दे, एक सेकंड सर। आपने नीचे क्या लिखा है? फर्स्ट रेजोनेंस देन इंडक्टिव। ओके यस सर, हो गया। गाइस आइडियली मुझे ये बता करके छोड़ देना चाहिए, मतलब नाउ यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, बट बिलीव मी इतना अगर बताकर छोड़ेंगे तो हार्डली आप में से 10% बच्चे ही हैं जो कर पाएंगे, बाकी 90% स्टूडेंट्स हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं उस कैटेगरी का हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ऑल्दो हम करेंगे यही सब चीजें जो अभी यहाँ पर लिखी हुई है, बट वो जब पहली बार, ज्यादातर स्टूडेंट्स को जब कोई चीज पहली बार मिलती है तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर 2-3 बार ऐसा गलत हो गया तो फिर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, फिर वो उनको लगता है हमसे हो नहीं पाएंगे, जबकि ये चीजें बड़ी आसान है। तो मैं आपको जो एक कैटेगरी हमारे सिलेबस में पॉपुलर है वो है एमाइन वाली, एमाइन का मतलब जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ठीक है। आप मानकर चलिए कि 99% क्वेश्चंस एमाइन वाले ही आते हैं, इसीलिए तुमने देखा होगा इंडक्टिव में भी हमने एमाइन वाले का डिस्कशन किया था। क्लियर है बेटा? यस यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूँ और मैं मतलब एज अ स्टूडेंट कैसा सोचना चाहिए वो बात करते हैं, चलेगा? आई विल ट्राई टू डिस्कस मोस्ट ऑफ थिंग्स यूजिंग वन क्वेश्चन ओनली, इसी में मैं ऐड करता जाऊंगा, यू कीप ऑन राइटिंग थिंग्स, आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं मतलब ऐड करने का क्या मतलब है। तो ऐड करने का मतलब है मैं क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना दूंगा, जितना कम होगा उतना आसान लगेगा तुम्हें। जैसे ये दिया हो तो आप यहाँ मानकर चल लेना कि बेटा एक एच बी अवेलेबल है और यहाँ लोन पेयर है, ये केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ कि भाई मानकर चलते हैं कि वहां दूसरा कोई बॉन्ड नहीं है तो कुछ एच ले लिया सेटिस्फाई कराने के लिए और लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट है, ये अपनी साइट है। सबसे पहली चीज यही होती है बेटा कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है किसी कंपाउंड में, कि आपका साइट कौन है, बेसिक साइट, जैसे क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ चेक करें तो बेसिक साइट ये है, ये एसिड भी हो सकता है एच लीव कराने के पॉइंट, हमारा हम कंसर्न ही नहीं है उससे, तो इधर तक कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर एसिडिक बोलता तो हम इसकी बात कर रहे होते, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल नाइट्रोजन कैरीज लोन पे उससे मतलब है। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? तो जबरदस्ती अपने को कंफ्यूज मत कर लेना कि सर आपने पहले तो उसको एसिड बताया था अब आप यहाँ बेस बताने लगे हो, भाई वो अलग अलग चीजों की वजह से एसिड बेस है, उनका आपस में रिलेशन नहीं है, इधर उधर मत कर देना। तो हमारी साइट ये है, अब मैं एक कंपाउंड आपको ये लिख कर देता हूं, ये वाला, दिख रहा है बेटा साइट कहाँ है? Yes. देखो मैं लोन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जाम में लोन पे ड्रॉ किया हुआ नहीं आएगा, तो तुमको हर जगह देखना पड़ेगा कहाँ कहीं लोन पेयर तो नहीं है, ठीक। जहां जहां लोन पेयर होगा सब साइट हो जाएगी, तो पहले उसको अपने घर में ही बेस्ट साइट ढूंढनी पड़ेगी, तो ऐसा अभी दूंगा थोड़ी देर में, अभी के लिए बड़ा आसान है। देखो बड़ा जब भी क्वेश्चन आएगा ऑर्डर से रिलेटेड, तो सबसे पहली चीज आपको करनी है ये पता करना है कि कौन लोकलाइज्ड है और कौन डीलोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड है।
लोकलाइज्ड उसको बोलेंगे जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अगर डीलोकलाइज्ड ढूंढना है तो केवल लोन पेयर सिंगल डबल ढूंढो। बताइए किसमें डीलोकलाइज्ड है? सेकंड में है, डीलोकलाइज्ड है, और ये लोकलाइज्ड। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डीलोकलाइज्ड। कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर हो गया तो अलग बात है, नहीं तो यही सब पूरा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। डीलोकलाइज्ड लेस बेसिक देन लोकलाइज्ड। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? जो डीलोकलाइज्ड हो गया वो डिस्पर्स्ड हो गया ना, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो गई, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गया, वो कॉमन सेंस है। लेकिन अगर तुमको इश्यू आ रहा हो तो इसको रट लो। क्लियर है बेटा? यस। तो इस इन दोनों में निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बच्चा भी निकाल देगा, है ना। अब आते हैं, मान लीजिए कि ये पता चल गया आपको, फिर उसके बाद एक दूसरा कंपाउंड में लिख रहा हूं, ये अब इसमें दो साइट्स हैं, देख रहे हो, तो फॉर्चुनेटली आइडेंटिकल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने किसी एक को अपनी साइट मान लिया, ठीक। ये भी क्या है बेटा? लोकलाइज्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, लोकलाइज्ड है। अब इसका मतलब दो लोकलाइज्ड हो गए। दो लोकलाइज्ड में देखो दूसरे ग्रुप्स कौन से लगे, तो फिर आपको दूसरे ग्रुप्स का क्या चेक करना पड़ेगा? फर्स्ट रेजोनेंस, देन इंडक्टिव ऑफ अदर ग्रुप, देन इंडक्टिव। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, सॉरी, तो बेसिक स्ट्रेंथ साइट की कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा। देखो ये सब इस तरह कहीं बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा बेटा, ये तुम्हें अपने नोट्स खुद बनाने, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है उसको हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पे देखो, क्या ये इसके लोन पेयर को रेजोनेंस के थ्रू खींच पाएगा? नहीं, कहीं से कुछ नजर नहीं आ सको, रेजोनेंस हमने पढ़ा ही नहीं है, जो नाइट्रोजन सिंगल सिंगल लोन पेयर सिंगल सिंगल जैसा कुछ हो। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस, ठीक है। तो ये केवल इंडक्टिव लगाएगा, और इंडक्टिव से सारे ग्रुप्स क्या होते हैं? विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इसका मतलब ये मेरी साइट की बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? डिक्रीज करा देगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए, 1 2 3। किसी को डाउट है बेटा? हाँ सर, राइट। सो वन सर, किसी को डाउट है? नो सर, नो सर। तो इन हम क्या लिख देंगे यहां पर? वी चेक्ड इंडक्टिव, है ना, ऑफ अदर ग्रुप, एन अदर ग्रुप जो वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। आप सोचो इसी तरह का सिचुएशन इसके जैसे में भी आ सकता है। तो मान लो मैंने एक केस ऐसा लगा दिया, यहां पर एक एनोटो लगा दिया ऐसा, और मैंने एक केस लगा दिया जिसमें मैंने यू नो एनोटो यहां लगा दिया और ऐसा कर दिया, और एक केस मैंने लिख दिया, चलेगा ना? यहाँ पर थोड़ा मेरे को स्पेस क्रंच आ रहा है। ये केवल इस तरह मैं लिख रहा हूं बेटा कि आप को एक पहले धीरे धीरे जा कर रहे, फिर बड़े से उसमें आप डील कर पाए, आप घबराए नहीं, पैनिक नहीं हो जाए, क्योंकि ये पता नहीं चलता कब आप टेंशन में आ जाए। देखो मैंने जानबूझकर इस तरह के ग्रुप्स बना दिए। अब मैं नंबरिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पर, मुझे एक और एक्चुअली कंपाउंड डालना है तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब आप गाइस सब लोग ध्यान से देखो कि इसमें भी इसका तो हो गया, यानी सबको मालूम है कि ये डीलोकलाइज्ड है। मैं DEL लिख रहा हूँ, डीलोकलाइज्ड के लिए, हाँ तुम लोग पूरा फुल फॉर्म वहां लिख देना, ये भी डीलोकलाइज्ड, यानी कि अब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जगह केवल NO2 और OCH3 का डिफरेंस है, यानी हमें अदर ग्रुप का रेजोनेंस चेक करना है। तो बताइए कहाँ रेजोनेंस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा इन तीन कंपाउंड्स में? इसमें लगेगा नहीं, सब में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, ये मेटा पोजीशन है। यहाँ हम लोग ओनली -I लिखेंगे। क्या सब लोग समझ पा रहे हो? यस सर, वेरी
सब चीजें तो करनी है बेटा, है ना, कि मतलब सारी चीजें एक साथ आ रही है तो आप कंफ्यूज नहीं हो, प्लानिंग के साथ काम करोगे तो सब हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें तो इंडक्टिव से विड्रॉ, इसमें रेजोनेंस से विड्रॉ हो गया, है ना, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया ये। और ये क्या है, ये ग्रुप ऐसा है जिसका फर्स्ट एटम लोन पेयर वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, समझ गए ना सारे बच्चे। तो और इसमें कोई ग्रुप नहीं है, नो ग्रुप। तो बताइए कि इन चार को अगर मैं 1 2 3 4 कर दूं तो बेसिक कौन होगा, फोर फोर फोर, फिर कौन होगा, थ्री नहीं, कोई ग्रुप नहीं है ना, इन दोनों में तो विड्रॉइंग है, फोर फिर वन फिर थ्री, है ना, क्योंकि ये रेजोनेंस से ज्यादा विड्रॉ करेगा, इंडक्टिव से कम विड्रॉ करेगा, कम विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी बची रह जाएगी। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा, है ना, यानी कि केवल इतने कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इतना बड़ा क्वेश्चन क्रैक कर दिया, लेकिन जेई में इतने भी अब वैसे उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें जैसे ही मैं ये इंट्रोड्यूस करता हूं उसका लेवल सडनली बढ़ जाता है। अब मैं पूरा लिख रहा हूं, 1 2 देन लोन पेयर इज नॉट टेक पार्ट रेजोनेंस। हाँ, तो इसमें देखो ना कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, तब जाकर तुम इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। देखो कुछ नंबर छूट तो नहीं गया ना, सारे कंपाउंड्स का नंबर मिल गया ना, यस मिल गया। अब सबसे पहली कॉन्सेप्ट जो हमने बहुत पहले पढ़ी थी कि ये लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, राइट, ये लोकलाइज्ड है, लेकिन ये लोकलाइज्ड तो है और तुमको यहाँ कोई ग्रुप भी नहीं मिलेगा, तो तुम्हें ऐसी फीलिंग्स आ जाएगी कि ये कंपाउंड जैसे ये कंपाउंड है इससे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्या ऐसी फीलिंग्स आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर आएगी, आएगी सर। लेकिन एक खास इसमें चीज है, वो क्या है, वो है कि ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड नहीं, ये नाइट्रोजन क्या है, डबल बॉन्डेड। तो यहाँ पर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जैसे पहले भी हमने ये चीज पढ़ी हुई है, ये sp2 नाइट्रोजन होगा, और अगर कोई सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है जो लोकलाइज्ड है, दोनों क्या होने चाहिए बेटा, लोकलाइज्ड, sp3 है लोकलाइज्ड। तो बताइए कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा, किसको, sp2 sp3 नहीं कभी भी, अरे sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा, देगा ही नहीं, अगर h+ को देगा नहीं तो h+ क्या फीडबैक देगा। थोड़ा बहुत मेरी बातें समझ में आ रही है बेटा? हाँ आ रही है। तो ये आप अलग से यहाँ लिख लेंगे इस जगह पर, ठीक है, कि अगर आपको सडनली ऐसा मिला तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, इसीलिए लेवल ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, समझे ना। जैसे मान लीजिए अचानक से मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि बताओ ये इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा बेसिक, तो आप क्या बोलोगे, तीनों कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्डेड वाला है, एक डबल बॉन्डेड वाला है, सिंगल बॉन्डेड वाला, तो इसका मतलब है कि ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन विल बी लेस बेसिक। अगर तुम उसको रेड भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट ये है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन कंजूस होता है, होल्ड करता है, वो देता नहीं, देगा नहीं तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ये तो रिच नहीं है, तो वो उसको कम बेसिक बोल देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1 समझे। लेकिन खास बात है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने नहीं थे, हमने सेम एटम पहले देखा था, तब हम ये sp2 वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन, कई सारी चीजें इसमें हो गई, ये अगर तुमने कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, कॉपी कर लो। सर वो सेकंड पॉइंट क्या है, आप रिपीट करोगे? ये फर्स्ट रेजोनेंस ऑफ अदर ग्रुप देन इंडक्टिव, जैसे अदर ग्रुप जैसे यहाँ ये है, यहाँ NO2 है, इस तरह। सर सर एक बार सबको ऑर्डर लिख दीजिए ना, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, क्या असेंडिंग डिसेंडिंग आंसर,
अच्छा सॉरी वो लिखना तो भूल गया ना, वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन सेवन, नहीं नहीं ये कहाँ चला गया, ये से फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, सही है ना ऑर्डर? ये सब बड़ा अच्छे से लिखना क्योंकि इस तरह तुम्हें कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा ये सीक्वेंस। हेलो हेलो साइलेंट मोड, साइलेंट मोड क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलो सो आई एम सेइंग कि ये इस तरह का कहीं पर डिस्कशन नहीं मिलेगा, इसको अच्छे से लिखना बेटा जिस सीक्वेंस में हमने किया था। आप ऐसे लिखिएगा कि वी नीड टू कंपेयर बिटवीन दिस दिस दिस, वी नीड टू कंपेयर बिटवीन दिस 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 एंड देन ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है? सो कुड यू गिव टाइम फॉर दिस सर बिकॉज़ यस सो व्हेन यू आर राइटिंग सो वी कांट रियली ओके आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स सर। सर बस फिफ्थ और सिक्स्थ वाले कंपटीशन बता दो ना। फिफ्थ और सिक्स्थ का है बेटा, लिखते रहना जहां पर आपको डाउट आता है इस तरह बोल देना, फिफ्थ ये है सिक्स्थ ये है। ये इंडक्टिव से केवल विड्रॉ करेगा, मेटा रेजोनेंस वर्क नहीं करता, तो यहाँ ज्यादा विड्रॉ होगा रेजोनेंस से तो इसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा डिक्रीज करेगी तो लेस बेसिक। ओके सर जो हमने sp2 sp3 का चेक किया वो फोर्थ वाले के लिए ना किया ना, sp2 sp3 वो हमने चेक किया है बिटवीन 1 2 3। ओके सर सर वो फोर्थ वाले में ऊपर पे लिखा है नो ग्रुप। सो इन वन एंड टू सो वन एंड टू बोथ आर लोकलाइज्ड सो देयर इज एनएच देयर इन टू सो इजंट इट मोर प्लस आई इफेक्ट? नो नो एनएच इज माइनस आई इफेक्ट, ऑल ग्रुप्स आर माइनस आई is NH is minus I effect. All groups are minus I except alkyl group. बता दूँ था मैंने. Oh yeah. Sixth one में मल्टा पोजिशन पे क्या है? N R. कहाँ पर? NO2 है सर, वो पूछ रहा है सिक्स्थ पे मेटा पोजीशन पे क्या NO2 है ना? सिक्स्थ केस में NO2 है मेटा पोजीशन, यस बेटा बराबर। So in sp2 and sp3, in sp2 there'll be more electron density around the nitrogen, and in sp3 there'll be less because sp2 is more electronegative also. No, electron density as any change hogi na, but then it's pulling power is changing. Yeah, so then if it's pulling electrons better, it's not pulling, it can we are saying it will hold its own electrons, it will not give to H plus. Achha, okay. So in sp2 and sp3 s has more, we see sp2 has more s character and so more electronegative, right? Yes, so more electronegative nitrogen will be less basic. Yes, statement likhe yaad rakho. Should I remove this now? Wait, so wait. Wait. It's actually so wait.
थोड़ा सा क्विकली करिए बड़ा सो सो मेकिंग नोट ऑफ एवरीथिंग अबाउट इट सर वो sp2 sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन किया ना यस बेटा सो यस So answer. Give 2 minutes. The last one में वो group OCH3 है. Last one में वो group OCH3 है. Yes. Sir, in the second last one, it is NO2, no? Yes, beta. NO2 at meta position. Yes. Okay, sir. देखो इन दिस क्वेश्चन वी स्टार्टेड विथ 1 and 3 मतलब फर्स्ट कंपाउंड एंड थर्ड सॉरी 1 and 4 first and fourth compound we started huh? then we introduced second compound then we introduced fifth to sixth, seventh then we introduced third पहले हमने localized delocalized exact answer निकाल लिया वो बिल्कुल मतलब उसका level बहुत ही down था वो main में उस तरह के questions आ सकते हैं जिसमें केवल localized और delocalized पे answer आ जाता फिर मैंने उसमें factors introduce किया तो जो second compound है उसमें inductive लग रहा था उसे acidic strength decrease करा दी फिर हमने fifth sixth और seventh introduce किए जिसमें resonance भी लग रहा था दूसरे group का और inductive भी लग रहे थे उस पर फिर answer निकाला फिर एक थर्ड इंट्रोड्यूस किया जो एंटायरली डिफरेंट टाइप का केस था जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन से आंसर निकाल दिया सर सर आपने जो सेकंड पॉइंट करके लिखा है वो पॉइंट क्या है फर्स्ट रेजोनेंस ऑफ अदर ग्रुप अच्छा अदर ग्रुप व्हिच इज कनेक्टेड एंड देन इंडक्टिव सर उसके नीचे क्या लिखा है Electron withdrawing group implies basic strength decreases. Electron releasing group implies basic strength increases. Okay, sir. Should I remove this now? Yes. हटा दे बेटा किसी को कुछ पूछना है कहना है नो सर इसको भी एक कोई तो कहां था यही नहीं वेयर आर ये इसको आप चाहिए तो कॉपी कर लो बेटा ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर मेन एग्जाम में आ सकता है जेईई मेन डायरेक्टली सर डाउट सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एसिडिक इन द ऑपोजिट मैनर और नॉट सर यस इफ यू कनेक्ट वी कैन से दैट तो एक्चुअली उससे भी आंसर निकल सकता है ना आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता है पहले से ठीक उसका उल्टा कॉन्जुगेट का ऑर्डर कर दो वी डिड द सेम क्वेश्चन इन दैट एक्सरसाइज 1 ना फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ अभी हटा दें बेटा इसको भी तो 1 मिनट 1 ही सेकंड
Guys, now you write exceptional behaviors. Exceptional behavior. Listen carefully, Buddha. एक कंपाउंड है जिसको एमाइडीन बोलते हैं, ये है. नाम कोई जरूरत नहीं है आपको नाम रटने की, बट कुछ इसमें स्पेशल चीज है इसीलिए इसका नाम भी लिख रहा हूं. इससे क्या होता है, कई बार एज अ स्टूडेंट हमको रिकॉल करने में बड़ी हेल्प होती है कि अच्छा कुछ नाम याद हो या नहीं याद हो, ये तो याद रहता, कुछ तो अलग सा था वो. इसका नाम है ग्वानिडिन. गाइस, इसका कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं किसी दूसरे से. मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पिक कर लिया, ये पिक कर लिया, ठीक है. सबसे पहले तो ये, अच्छा आप में से कोई बता सकता है इसका ऑर्डर क्या होगा? एनी आइडिया? एक सेकंड सर, टू मोर बेसिक. फर्स्ट सबसे बेसिक, लोकलाइज. फर्स्ट लीस्ट बेसिक. सो हाउ डू यू डिसाइड द साइट? वन इज मोर बेसिक देन टू, सो बिकॉज़ सन इन बोथ. नहीं नहीं, बिकॉज़ नहीं. आंसर बताओ केवल. तो वन इज ग्रेटर देन टू. नहीं, पूरा ऑर्डर बोलो ना, 1 2 3 का. अच्छा सर, वो वाला एनएच भी देखना है हमको. हमें कोई लेना देना नहीं है. वो कह रहा तीन फैमिलीज है, बताओ अमीर कौन है. सो 1 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1. यस सर. और कोई? हाँ सर, वही है, सेम ऑर्डर. तो वन सेकंड सर, मैंने वो एनएच को काउंट नहीं किया, इसके लिए 3 ग्रेटर देन 2 ही बोल. 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1. अब आप मेरी बात सुनिए. जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो कई बार बच्चे इमोशनल हो जाते हैं. कैसा इमोशनल? देखो, जैसे ये कंपाउंड है, कोई बच्चा अगर इमोशनल हो जाए और ये कह दे कि इसके पास 2 बेसिक साइट है इसलिए ज्यादा बेसिक, बताओ वो सही बोल रहा है कि गलत? गलत. तो ये इमोशंस नहीं चलेंगे तुम्हारे. इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ बेसिक साइट्स, इट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द साइट. ठीक, 2 पतले पतले भाई हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि किसी मोटे को जाके हरा देंगे. ताकत पे आएगा चीजें, स्ट्रेंथ मैटर करती है. आई होप मेरी बातें समझ पा रहे हो. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हर कंपाउंड की मोस्ट बेसिक साइट को पहले आइडेंटिफाई करना. एज अ फैमिली हम उनकी इनकम नहीं देख रहे हैं, हम उनके यहाँ देख रहे हैं कि कौन है जो सबसे ज्यादा अर्निंग मेंबर, वही दूसरे फैमिली के अर्निंग मेंबर से कंपेयर किया जाएगा. आप ऐसे समझ लो. तो यहां पर सबसे पहले साइट ढूंढो. तो भाई इसके पास तो एक ही साइट है पहले कंपाउंड पे, उसको सर्कल कर दो. इसमें तुम्हारे पास 2 नाइट्रोजन साइट है, विच वन इज बेटर साइट, नीचे वाली की ऊपर वाली? ऊपर वाली. अब हाँ, इसमें भी कुछ बच्चों के माइंड में आता है और आएगा, sp2 नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है कि sp3? So, but we don't see that only because resonance is towards the double bond. Very good. और कोई कुछ कहना चाहे बड़ा बोलो जरूर बाकी लोग, नहीं तो क्या होगा कि किसी को कुछ स्ट्राइक कर गया और वो फॉर्चुनेटली सही मैच कर रहा है, तो इसलिए दो जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ भी अपनी बातें बोल दे. So the double bond NH does not have resonance, right? Very good. And so, I'm doubting this only. The after class in the module, so there is a case in which double bond and this
lone pair is not there, and then it says that resonance is not there. क्वेश्चन गलत टाइप भी हो सकता है, इतना टेंशन मत लो, आपस में ग्रुप में डिस्कस करो आप लोग. सो लाइक नो वन रिस्पोंडेड. ऐसे कैसे नो वन सेंड इट अगेन. अच्छा गाइस लिसन सर, बस बस अब मैं बता देता हूँ कि टाइम बहुत कम है और काफी चीजें बतानी रहती हैं. अब मुझे बोलने दे दो, मैंने टाइम दिया उस बीच कुछ और कुछ बोलने लगा कोई. गाइस इसमें दो साइड्स हैं. पहली चीज ये है कि हम लोग जब SP2 SP3 देखते हैं उससे पहले हम देख चुके हैं कि कोई लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर. यानी साइट वो हमको चूज करनी है जो क्या हो, लोकलाइज्ड हो. यानी इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे. क्या इतनी बात समझ में आई? आ गई सर. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे. ये डीलोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड है. लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है. यानी लोकलाइज्ड साइट्स विल बी कंपेयर्ड विद ईच अदर. क्या सबको समझ में आया? यस आया सर. अब आप ध्यान से सुनो. कोई तो बोला था उसको नहीं समझा करके. दोबारा समझ गया होगा ना. लोन पर सिंगल डबल है तो ये डीलोकलाइज्ड है. लोन पर सिंगल डबल है डीलोकलाइज्ड. लोन पर सिंगल डबल है डीलोकलाइज्ड. और पहला ही पॉइंट है डीलोकलाइज्ड वर्सेस लोकलाइज्ड में लोकलाइज्ड इज मोर बेसिक. ठीक है गाइस अब आगे सुनो. अब हम लोगों ने उसके बाद क्या सडनली बोल दिया था कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और सिंगल, तो बत्ती जलनी चाहिए और सिंगल बॉन्ड वाले तो हम लोग ज्यादा बेसिक बोल देते. तो अगर उसके बेसिस पे जाएंगे तो ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा. लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है. क्यों एक्सेप्शनल हो गया? क्योंकि ये सिंपल डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन नहीं है. ये इसकी खास बात ये है कि ये अपना लोन पेयर तो होल्ड करता है, लेकिन कहीं और से इसको लोन पेयर कोई अपना भी दे के जाता है. इससे सडनली बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बेटा इसकी? डिक्रीज नहीं, इंक्रीज. अरे भाई तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास है, मुकेश अंबानी भी सारा पैसा तुमको देके जा रहा है, वो तो बढ़ रहा है. तुम ज्यादा अमीर नहीं हो जाओगे? यस सर. ठीक है अब देखो यहाँ मुकेश अंबानी भी पैसा दे रहा है और अनिल अंबानी भी दे रहा है और परमानेंट दे रहा है, अब फुल दे रहा है, थोड़ा बहुत नहीं दे रहा है. तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बहुत ज्यादा. ऊपर बन जाएगा. इसीलिए आंसर यहाँ पर निकला ये. तो इसको जानबूझ के मैंने एक्सेप्शनल केसेस में लिखा ताकि आपको याद रहे कि सेपरेट वे में हमने कुछ किया था. कॉपी कर लो. So then why did you say it does not depend on the number of groups, because here there's two resonances happening. So I said 3 greater than 2 greater than 1. Then you said emotional नहीं होना है. So I thought I was wrong. नहीं 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 नहीं. मैं तो बोला ना कि कोई बच्चा सही आंसर भी दे सकता है और इसीलिए बाकी लोग अपने डाउट्स पूछें. तुम्हारे आंसर देने के बाद ही बोला था बेटा मैंने. गाइस नंबर ऑफ बेसिक साइट्स पे डिपेंड नहीं किया. फिर मैं बोल रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट कि हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आ दे. हमने वो किया ही नहीं. फटाफट कॉपी करिए बेटा. सर सर आई हैड समथिंग टू आस्क बट इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस. सर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट लेक्चर बेटा पूछना आप जो सबसे पहले आप मॉर्निंग में देना फिर पूछना. ठीक है ओके सर. हैव यू ऑल कॉपीड बेटा? सवाल Yes, sir. Copied. Okay. Another exceptional case, beta. ध्यान से सुनना. हाँ. Sir, आप एक time के लिए previous slide दिखा सकते हैं screenshot में. Okay. Done, sir. एक fact है. N comma N dimethyl 2,4,6 ट्राइनाइट्रो
aniline. Trinitroaniline is, you know, about 4,000 times more basic than 2,4,6 trinitroaniline. ठीक है गाइस, लुक हियर, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया है लेकिन किसी और जगह पर. यस सर, SIR इफेक्ट. यस, तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर आया SIR की वजह से. SIR कहाँ लगा, किस पॉइंट पे लग रहा है? The first one on there. The resonance doesn't happen. नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एक्चुअली रेजोनेंस में ही नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? लोकलाइज्ड हो गया. लोकलाइज्ड हो गया. और ये वाला डीलोकलाइज्ड. मतलब एक एग्जांपल है, इस तरह के बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स आ सकते हैं जिसमें डिजाइन इसी तरह का हो. यहाँ मिथाइल मिथाइल लगा दिया, कुछ और ग्रुप लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉन्सेप्चुअली यही रहने वाला है. ठीक, ये भी मेरे लिए एक एक्सेप्शनल हो गया क्योंकि ये अलग सा एक कॉन्सेप्ट डिमांड कर रहा था जिसका नाम था SIR इफेक्ट. इसको भी कॉपी कर लो बेटा, फटाफट करो, हाँ कई सारी चीजें बतानी है. सर बट फिर SIR इफेक्ट हैपेंस ऑन बोथ नो? नहीं बेटा, पहले बार SIR के लिए नाइट्रोजन जो है चार ग्रुप से वो है, ये दो उसके खुद के और दो ऑर्थो पोजीशन पे. ओके, तीन पे भी हो जाता है कई बार लेकिन वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे. सर आपने अभी क्या बोला समझा नहीं मुझे, सेकंड वाले में SIR इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने ये पहले डिस्कशन किया है बेटा, एग्जांपल्स ऑफ SIR में जाकर देखो, जहां पर हमने ऑर्थो इफेक्ट किए थे ना उसके बाद SIR इफेक्ट एक्सप्लेन किया था. दो एग्जांपल्स दिए थे, एक एनिलीन वाला और एक एनोटू वाला. मिला ना एग्जैक्टली उसी तरह का तो एग्जाम्पल लिखा है, पहला कंपाउंड. Did I remove this? Have you all copied? Yes, sir. No, sir. Yes, one minute. 8 minutes. Sir, done. गाइस, अब एक कॉन्सेप्ट होता है, अलग सा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं SIP इफेक्ट. क्या बोलते हैं बेटा? SIP इफेक्ट. इसको भी देखना ठीक से, ये बुक्स में यूजुअली नहीं देते. इसका नाम है स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन वो क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन फॉर रेजोनेंस. अब ये स्टेरिक इनहिबिशन फॉर प्रोटोनेशन, इसका क्या मतलब है? इसको ऐसा समझ, क्राउडिंग इफेक्ट अपोजिंग एक्सेप्टिंग ऑफ H प्लस आयन. यस, वेरी गुड बेटा. अब आप देखो इसमें, जैसे मान लीजिए ये एनिलीन है ना, इस एनिलीन पे H प्लस अटैक करने के लिए आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, अब तुमने मान लीजिए कि ये सिचुएशन ले ली, ये और ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, इससे होता क्या? तुम ऐसे सोचो कि तुम जो है कहीं पर खड़े हुए थे और कोई तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए आ रहा था, ठीक है, और थप्पड़ मारकर चला गया. दूसरी सिचुएशन, तुम खड़े हो और पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं साथ में, ठीक, और वही बंदा फिर से तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे बेटा? प्रोटेक्ट करेंगे. मानते हो कि नहीं? यस सर. ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे. लेकिन तुम थोड़े से शरारती बच्चे थे, नॉटी, तुमने क्या किया? हीरोगिरी दिखाई. पेरेंट्स ने अपना हाथ बढ़ाया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और तुमने क्या किया?
उन अपने आप को उनके हाथ के प्लेन से बाहर निकाल दिया तो तुमको कोई बंदा आराम से पीट के चला गया। डिफरेंस समझ में आया क्या? हाँ सर। यस यस। तब भाई अगर तुमने पेरेंट्स की रेंज से बाहर अपने को कर लिया तो पिटाई हो जाएगी, पेरेंट्स नहीं है तो भी पिटाई हो जाएगी। पेरेंट्स आपको तब तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब तक तुम उनकी रेंज में होगे। थोड़ी बहुत समझ में आ रही है ये घरेलू एग्जांपल? यस सर। अब जैसे मान लो मैंने यहां पर समझ लो NH2 है और यहां पर जी लगा था, जी क्या करता है अपने क्राउड की वजह से प्रोटेक्ट करता है NH2 को किसके अटैक से? प्रोटॉन के। प्रोटॉन H+। प्रोटॉन अगर अटैक नहीं कर पाएगा तो फीडबैक क्या देगा? सामने वाला कंपाउंड लेस बेसिक है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस। अब देखो ये इस एग्जांपल में तुम बोल सकते हो कि इसमें तो बहुत ज्यादा SIP है, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा उस शरारती बच्चे वाली? क्या विजुलाइज कर पा रहे हो सिचुएशन? इसमें रेजोनेंस छोड़ो, इसमें ये हो गया कि प्रोटेक्शन नहीं कर पाए ये दो NO2, दो पेरेंट्स हैं, लेकिन क्या इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे H+ के अटैक से? उनकी रेंज से बाहर चला गया वो, क्योंकि इसने क्या लूज कर दिया? प्लेन लूज कर दिया। जबकि यहाँ प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ केवल ऐसा SIR से ये ज्यादा बेसिक नहीं है, SIP की वजह से कम बेसिक भी हो गया, इसीलिए डिफरेंस बढ़ गया। क्या मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई? हाँ सर। यस सर। है ना, तो इट्स नॉट वन फैक्टर, यहाँ एक्चुअली में दो फैक्टर वर्क कर रहे थे, भले आंसर हमने एक ही फैक्टर से निकाल दिया, लेकिन जो डिफरेंस है इतना ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा कि टू फैक्टर्स आर वर्किंग। इसमें SIR लग रहा है, SIP लग नहीं सकता बिकॉज वो रेंज में नहीं है, तो उस प्लेन लूज कर दिया, इसमें SIP भी लगा, इसकी वजह से और कम बेसिक हो गया। तो हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पर? SIP आएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घटाएगा, घटेगा। क्या क्लियर है सबको? Yes. So how do you spot SIP again? So it has groups nearby. Ortho position, beta. Ortho position pe group hona chahiye. What's the difference between SIR then? That is for resonance. That is out of range, beta. This was for resonance. This is for accepting H+ ions. Got it. So could you go back to the previous? Guys, you copy the liya, beta. How do we know if the group being protected is out of the plane or not? अरे दो तीन SIR के इतना क्या टेंशन है? What? No, so over here. Quickly copy beta, everyone. And some SIP less basic. Yes, beta. SIP will make system, yani aniline less basic. Par SIP केवल कहाँ चेक करना है बेटा? Anilines में आ? So आपने SIP का full form क्या लिखा? Steric inhibition for protonation. Okay, copy. So, yes, beta. So which branch do you teach at physical? Physical, not in physics. Isko hata de. So teacher at Andheri and Dadar. No, teacher, only Andheri. नहीं नहीं, वो कुछ और पूछ रहा था. Hey, hello. ये सब बातें बाद में बेटा. ये personal level में बातें करते हैं. इसको हटा दे. Sir, just a minute. Just a minute. फटाफट करिए बेटा, थोड़ा टाइम कम है. ओके, अब जो मैं बताऊंगा ना उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको बाद में कॉपी कर लेना, है ना? ओके, सो दैट अपना बेसिक वाला पार्ट हम आज ही फिनिश कर ले, नहीं तो फिर थोड़ा सा रह जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. गाइस, आई एम जस्ट गिविंग यू सम डेटा, इसको एनालाइज करना, और इस डेटा की खास बात है SIP. ठीक है? इस डेटा को आप लिखो घर पे, इसको एनालाइज करना, बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा क्यों है. ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर का डेटा है, या मैं इसको KB ऑर्डर भी बोल सकता हूँ. याद है ना, KA ऑर्डर,
उसी तरह से के बी ऑर्डर, के बी इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ द स्पेस. अगर ये नहीं समझ में आया कौन सा ग्रुप किस पोजीशन पे और तो पैरामीटर, देन यू प्लीज आस्क, गलत कॉपी नहीं करना. सर ये सेकंड लाइन कंटिन्यूएशन है, ये एसआईपी का कंटिन्यूएशन है. आई एम गिविंग यू डेटा, यू एनालाइज कि ऑर्डर ऐसा कैसे आ गया. नहीं नहीं मैं ये कह रही कि सेकंड लाइन क्या अलग है फर्स्ट लाइन से. ना 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 ना, दीज आर डिफरेंट बेटा. ठीक है समझ लो, फोर क्वेश्चंस में दे रहा हूं, चार डेटा दूंगा. केजी ऑर्डर मतलब KB for acids, KB for basic. Sir, OCH3 लिखा ना लास्ट वाले में. Yes, बेटा. Guys, screenshot ले लो. ठीक है, एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, उसके कंपाउंड्स अलग अलग क्वेश्चंस में ऐड करके पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए, ओलंपियाड एग्जाम में भी आया है, जेई एडवांस में भी आया है, मेन में नहीं आया. तो चांसेस है कि वो कॉपी करते हैं क्वेश्चन को, तो हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली ऐसा कुछ मिल जाए, है ना. तो एमाइन इन्वर्जन का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर यहाँ पर भी है और कंपाउंड में एक्चुअली 3D स्टाइल में अगर लिखूंगा तो ऐसा दिखता है. याद है आपको मैंने नॉर्मन क्लेचर में ब्रिजहेड वाले केसेस कराए थे. तो इसमें इसको आप इस स्टाइल से भी लिख सकते हो, ये डिजाइन दिया होगा या ये डिजाइन दिया होगा, दोनों सेम ही है. हाँ बेटा, इसका डिजाइन ऐसा दिया हो सकता है. ठीक है, डिजाइन केवल अलग है, बाकी आपका क्वेश्चन सेम ही है. और ये थर्ड है, ये ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का. गाइस लिसन केयरफुली, सबसे पहले ये एमाइन इन्वर्जन क्या है और इसका बेसिक स्ट्रेंथ पे कैसे इंपैक्ट होता है. तो लिसन, कोई भी एमाइन लोगे आप तो तीन बॉन्ड्स उसके कंसीडर करोगे और एक लोन पेयर. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन बेटा? sp3. व्हाट इज द शेप? पिरामिडल. अमोनिया जैसा है ना, अमोनिया जैसा पिरामिडल. तो पिरामिड अगर आप बनाओगे तो ऐसा बना सकते हो क्या? ऐसा ही बनेगा? ऐसा नहीं बन सकता. तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये तो किसी भी कंपाउंड के लिए उल्टा करके लिख दो. मेरी बात समझ में आ रही है? बढ़िया, उल्टा नहीं हो रहे हैं. इसको कहते हैं फ्लिप करना, जिसको इन्वर्जन बोला जाता है. अब आप बोलोगे ये सब क्या, ऐसे तो किसी को कंपाउंड को भी टेढ़ा करके लिख दो और कह दो इन्वर्जन है. तो ये आपको अगर समझना है तो एक घरेलू एग्जाम्पल देखना पड़ेगा. एंड प्लीज लिसन केयरफुली, ये घरेलू एग्जाम्पल तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा. सुनो, अम्ब्रेला
आपने यूज किया होगा अक्सर रेनी सीजन में. विजुलाइज करना सिचुएशन जो मैं तुमको घरेलू एग्जांपल दे रहा हूं. कभी तुमने ऐसी सिचुएशन देखी कि हवा तेजी से आई और अम्ब्रेला ऐसा हो गया, उल्टी हो गई? यस 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 सर. तुम इसको उल्टा करते हो? नहीं. बाहर से थोड़ी हवा मतलब एनर्जी. हाँ, जब मैं हवा बोल रहा हूं तो समझ लो एनर्जी आई है. तो एनर्जी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल थी जिसने इसको फ्लिप कर दिया. अच्छा, फ्लिप को थोड़ा स्लो मोशन में ऑब्जर्व करो. स्लो मोशन में तो क्या तुमको नहीं लगता एक सिचुएशन ऐसी आई होगी जब अम्ब्रेला का ऊपरी हिस्सा ऐसे रहा होगा? समझ में आया? इसका मतलब है कि ये एमआई ने एक सिचुएशन में ऐसे रहा होगा कि तीनों आर एक प्लेन में आ गए होंगे. क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर, आ गई सर. इधर पिरामिडल, इधर पिरामिडल, ये प्लेनर. अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो ये आएगा एनर्जी वर्सेस फ्लिपिंग या इन्वर्जन. तो ये मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पिरामिडल, तुमने हवा के झोंका दिया मतलब एनर्जी सप्लाई की, प्लेनर हुआ और ये वापस, क्योंकि वो स्टेबल नहीं उस सिस्टम में, ये वापस क्या बन जाएगा? पिरामिडल. पिरामिडल. थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ में आई? आगे सर. yes, आगे सर. ये एनर्जी लेवल सेम रहेगा और ये ऊपर जाए. ये तो एमाइन इन्वर्जन मैंने समझाया आपको. अब देखो, अगर मैं ऐसा करूं बेटा कि अम्ब्रेला लिया मैंने और ये जो फ्लिप कर रहा था उसको ऐसे किसी रस्सी से बांध दिया मैंने. अब एनर्जी जब यानी हवा आएगा अंटिल ये टूटे, क्या फ्लिपिंग हो पाएगी? नो सर, नो पाएगी. यानी तुमने इन्वर्जन स्टॉप करा दिया. तो हम लोग क्या चालाकी कर सकते थे कि यही जो बॉन्ड्स तीन निकल रहे हैं इनको आगे जा करके तुम क्या कर दो और एक बॉन्ड से लगा दो, कनेक्ट कर. क्या फ्लिपिंग हो पाएगी? नहीं. इन्वर्जन. आई होप तुम इसको अम्ब्रेला वाले एग्जांपल से अच्छे से समझ पाए हो. हाउ दिस इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ, बड़ा आसान है. मान लीजिए कि इट्स लाइक कि तुम्हारा, तुम्हें एच प्लस समझ लो, कोई ऐसा है जो तुम्हें थप्पड़ मारने आना चाहता है और तुम्हारा सर चारों तरफ घूम सकता है, तो तुम क्या करोगे? कोई थप्पड़ मारने आएगा तो अपने सर को क्या कर लोगे बेटा? घुमा दोगे. मार पाएगा क्या? नहीं. लेकिन अगर तुम्हारा सर जो है वो घूम नहीं पाता, जैसे ह्यूमन का होता है नॉर्मल, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, पूरा नहीं घुमा सकता है. यानी मार खाने, और मान लीजिए अपनी गर्दन में थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया और वो कुद थोड़ा भी नहीं हो पा रही, यानी थप्पड़ पड़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. तो यहां पर सोचो कि नाइट्रोजन जो है वो जैसे ही एच प्लस अटैक करने के लिए आया इसने अपनी गर्दन घुमा दी, तो बताइए अटैक कम हो पाया कि ज्यादा? कम. कम हो गया. इसका मतलब एमाइन इन्वर्जन इंडिकेट्स बेसिक स्ट्रेंथ लेस, क्योंकि फीडबैक तो वो यही एच प्लस देगा ना, अटैक हुआ नहीं, लेस बेसिक. लेकिन तुमने क्या किया, अगर तुमने ऐसा केस ले लिया जिसमें एमाइन इन्वर्जन नहीं हो पा रहा है तो एच प्लस कैन इजिली अटैक एंड दैट इज व्हाई बेसिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज. थोड़ा बहुत समझ में आया? अब आप इसको देखो, इसमें दोनों में क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा, इससे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. क्या समझ में आई थोड़ी बहुत बात है? इन विच केस? इन द थर्ड वन, क्योंकि थर्ड वन में ग्रुप्स आर फ्री ना टू फ्लिप. Yes, sir, understood. Guys, इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट और फिर आप लीव कर सकते हो. Now you are capable of attempting all questions of exercise 7, 8. Okay, sir. So chapter हो गया? Chapter नहीं, दो major concepts हैं, hyper conjugation and aromaticity. इसका भी ले लो बेटा स्क्रीनशॉट. So what is electromeric effect? वो उसके बाद आएगा, उस वो एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है. हम लोगों को 2 मिनट्स लगेगा उसको फिनिश करने में. सर और कोई स्लाइड है क्या? ये है ना एक.
ओके सर ठीक है नाउ यू कैन यस सर ओके सर थैंक यू सर बाय सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर बाय